नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बुधनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाला ग्राम गांव खांडा बड़ गहराया जल संकट। नदी में झिरिया खोदकर प्यास बुझाने को मजबूर ग्रामीण। जल स्रोत सूखने से दिन भर पानी के लिए मशक्कत कर रहे ग्रामीण। भीषण गर्मी के चलते गांव में जल स्रोतों के सूखने से जल संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते ग्रामीण दिन भर पेयजल की व्यवस्था करते नजर आ रहे हैं। सीहोर जिले की आदिवासी ग्राम पंचायत खंडावड़ गाँव में पेयजल संकट इतना गहराया गया है कि प्यास बुझाने के लिए कालियादेव नदी में कच्ची झिरिया नाले को खोदकर ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि खंडावड़ में मर्दानपुर नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, परंतु अभी तक ग्रामीणों को नल कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा लगाए गए हैडपंप भूमिगत जल स्तर गिरने के कारण दम तोड़ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में गाँव में भीषण पेयजल जल संकट गहरा गया है। उल्लेखनीय है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड बुधनी में कोई जिम्मेदार अधिकारी कभी भी हेडपंप मैकेनिक भी मुख्यालय पर ना लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि हमारी पेयजल समस्या की और किसी का भी ध्यान नहीं है, ऐसे में हमें खासी परेशानी उठाना पड़ रही है। बार बार शिकायत के बावजूद भी ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना ही अफसरों को हमारी समस्या के निराकरण कराने में कोई रुचि है। इस संबंध में ग्राम पंचायत खंडावड़ के सरपंच का कहना है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहायक कार्यालय जाकर गांव के हैडपंपों की सफाई व उनमें दवाई डालने के लिए एक पत्र अधिकारियों के नाम कार्यालय में दिया है। समस्या के निराकरण पर अफसर नहीं देते हैं ध्यान। ग्राम पंचायत खंडावड़ के सरपंच भीम सिंह ने बताया कि मर्दानपुर नल जल योजना का पानी पंचायत के 20% मकानों तक ही सीमित रह गया है। सरपंच द्वारा परियोजना खंडावड़ अधिकारी को कई बार पूरी पंचायत में नल कनेक्शन कराने को कहने के बाद भी अभी तक नल कनेक्शन नहीं दिए जाने के कारण ग्रामीणों को मजबूरन गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को आए दिन पेट दर्द, डायरिया, पेचिस जैसी बीमारियां फैल रही हैं। गड्ढा है, गड्ढे में से लोग पानी पीते हैं यहाँ से। ये पीते हैं क्या करें, पानी है ही नहीं, मजबूरी है, जब पीना पड़ रहा। अच्छा, लाइन पाइप है नहीं, हैवी रोडों पे है, इधर गांव पे है ही नहीं, क्या करें, अब मजबूरी में पीना पड़ रहा। अच्छा, कितने लोग परिवार यहाँ पर निवास करते हैं? 25-30 बस्ती है। अच्छा, और आबादी कितनी? 1200-1300 की आबादी होगी ना यहाँ, इतने लोग रहते हैं ना आस पास। और गंदा पानी पीने को मजबूर है, यही क्या करें, मजबूरी। अच्छा, कोई अधिकारी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा क्या? कोई ध्यान नहीं दे रहा, अरपंच सरपंच कोई नहीं सुनते हैं, आते हैं, देख जाते हैं और चले जाते हैं। करवा देंगे, हो जाएगा ये बोलते हो। अच्छा, ये तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इलाका है ना। हाँ जी, तो उनने कुछ काम नहीं करा पानी को लेकर? करे, कुछ काम नहीं करे, रोडों पे चल रहा पानी बस उनका। खबर समय जगत के लिए रहटी से बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।